और राशन की इस व्यवस्था पर क्या है ग्राउंड पर रियलिटी, उस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। महाराष्ट्र से मकाम की जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सीमा कुलकर्णी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सीमा जी ये बताइए राशन की व्यवस्था का क्या हाल है अभी? राशन की व्यवस्था का हाल यह है कि ऑर्डर्स लेकिन राशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। मुफ्त का राशन तो खैर अभी भी बिल्कुल भी कहीं पे भी शुरुआत उसकी हुई नहीं है। और दो तीन चीजें ऐसे सामने आ रही हैं कि एक तो स्पष्ट रूप से जिनके पास राशन कार्ड है उन्हीं को राशन मिलेगा, ये बहुत स्पष्ट है। इसलिए महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो सिंगल वुमेन है या विडोड है जो विभक्त रहती है लेकिन अभी भी उनका नाम उनके फैमिलीज के राशन कार्ड में है, उनको निश्चित रूप से राशन नहीं उपलब्ध हो रहा है। ऐसे बहुत सारी नए हैं सिंगल वुमेन जी नहीं हुआ है इसके उनके पास उनको राशन अभी मिल रहा है। और दूसरी चीज ये जो मुफ्त राशन है वो उपलब्ध होगा अगर पहले का जो मतलब जो पहले का जो कोटा है उस राशन के लिए जब पैसा दिया जाएगा तभी मुफ्त राशन उपलब्ध होगा। तो ये भी तो ये पैसा कहाँ पर अटका हुआ है? बिल्कुल मतलब वही समझ में नहीं आ रहा है कि अनाउंसमेंट तो हुआ है लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी बताया यही जा रहा है कि अप्रैल में मतलब अब तो अप्रैल चालू हो गया है लेकिन अगले हफ्ते से शायद राशन उपलब्ध होगा। और अभी भी मतलब जो कलेक्टर से हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे इंस्ट्रक्शन उन्हें सिर्फ चावल का दिया गया है, 5 किलो मुफ्त चावल का। और दाल के बारे में योजना है लेकिन दाल के बारे में महाराष्ट्र में कहीं भी सूचना कलेक्टर्स को नहीं मिली है। ये बताइए जी जी चावल और दाल की तो बात है लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि राहत किट एक होनी चाहिए जिसमें रोजमर्रा की जो जरूरत के सामान हैं वो भी दिए जाएं। तो वो बिल्कुल उसकी कोई भी सूचना कलेक्टर्स के पास नहीं है और गांव में जहां जहां हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे बिल्कुल भी कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये निश्चित रूप से है। और महिलाओं के ऊपर ऑब्वियसली इसके काफी एक और बताइए कि जो परिवार में झगड़े हैं या फिर जो दारू की दुकानें हैं वो भी बताया जा रहा है कि खुली हुई हैं, ऐसे में किस तरह के कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं? तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हम लोगों के नजर में आ रही है। एक तो लिकर पे बैन है लेकिन प्रत्यक्ष रूप में गांव से ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि दारू के नशे में मर्द सारे एकदम पूरी तरह से दुत है और महिलाओं के ऊपर इसके काफी नेगेटिव परिणाम है। तो जुआ और दारू के लिए कोई भी निर्देश लागू नहीं है ऐसे हम लोगों को समझ में आ रहा है लेकिन जो महिलाएं अपना छोटा मोटा सब्जी का बेचना चाह रही है अपने खेती से जो भी निकल के आ रहा है उसे बैठने लेकिन नहीं दे रहे, ऐसे भी कई गाँव से रिपोर्ट आ रहे। तो टोटली मतलब इकोनॉमिक दृष्टि से भी महिलाओं के ऊपर काफी असर है। जो पेटी वेंडर्स है ज्यादातर महिलाएं हैं, जो वीकली बाजार है वो तो कम्प्लीटली बंद हो गए हैं लेकिन डोर टू डोर जो कोशिश कर रही है कि बेचे या अपने गांव में बैठे अपने घर के बाहर तो उस पर भी काफी निर्बंध लगाए जा रहे हैं। तो एक तो दारू की वजह से इंसिडेंट्स का भी रिपोर्टिंग कई सारे इलाकों से आ रहे, तो उसके ऊपर किस तरह से निर्बंध लगाए जाए मतलब क्या सुविधा महिलाओं को उपलब्ध हो जहाँ पे वो जाके अपने मतलब ये सारे जो मुद्दे हैं वो रखे सामने और उसको कुछ प्रोटेक्शन मिले, तो इसके बारे में भी सरकार को निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा ये है कि कैश फ्लो ना होने के कारण दिक्कतें हैं स्पेशली जो ऑफकोर्स ओल्ड है उनको तो है लेकिन विडोज के ऊपर भी काफी प्रेशर है। तो ये सारे पेंशन के जो स्कीम्स है उसमें निश्चित रूप से एडवांस देने की जरूरत है और पेंडिंग एरियर जो है वो क्लियर करने की एकदम मतलब जिसको कह सकते हैं कि इमीडिएट नीड हम लोगों को समझ में आ रही है। तो ये खैर हम लोगों ने तो कई सारे कलेक्टर्स के साथ बातचीत जारी की है, हमारे रिलीजेस गए हैं
लेकिन ये जब तक सेंट्रली इसके आदेश नहीं आते हैं तब तक स्टेट गवर्नमेंट्स कितना आगे जा पाएगी, ये हमारे ऊपर काफी बड़ा सवाल आ रहा है सामने। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।